मतलब जो गरीब है उनके लिए फायदा है, जो अमीर है उनके लिए तो फायदा नुकसान कुछ है ही नहीं। इसलिए जो गरीब है उनका प्रॉफिट सोचना चाहिए, जो अमीर है उनका कुछ नहीं सोचना चाहिए ना। इसलिए क्यों चाहिए फ्री का यार, हमें विकास चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए, विकास चाहिए। ये पागल है साला केजरीवाल, साला फ्री फ्री बस में फ्री कर दिया, ये फ्री पानी फ्री, अरे क्यों तो 50% ले ले, लेकिन जनता को सहूलियत दे दे भाई। जिनको बिजली नहीं चाहिए वो वापस दे दो, दे देंगे लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। सबको पसंद आती है इंडिया, है ना, फ्री का सबको। हाँ, इंडिया में सबको पसंद आता है। वैसे भी स्टूडेंट है, बैचलर है, हम लोग को तो और मतलब मिलना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। फ्री की चीज अमीरों को ज्यादा पसंद आती है, गरीब को तो कम आती है। पर नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ द्वारका मोड़ पे। आप लोगों ने सुना ही होगा कि केजरीवाल सरकार जो कि दावे करती है कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री देती है और जो दे भी रही है, लेकिन अभी उन्होंने एक नया अनाउंसमेंट किया कि जिसको 200 यूनिट नहीं चाहिए वो वापस दे सकता है, ऑप्ट आउट कर सकता है। चलो जानते हैं पब्लिक की राय, पब्लिक क्या कहती है इस पर, 200 यूनिट रखना चाहती है नहीं रखना चाहती और इसके पीछे क्या वजह है। आर यू हैप्पी विद केजरीवाल सरकार? यस। खुश हुआ? यस। वो फ्री की बिजली दे रहे हैं 200 यूनिट, उससे खुश हुआ? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, वो कह रहे हैं जो पैसे वाले लोग हैं वो बिजली वापस दो, तो उस पे खुश हो आप? नहीं। जिनको बिजली नहीं चाहिए वो वापस दे दो, दे देंगे लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। सबको पसंद आती है इंडिया, है ना, फ्री का सबको। हाँ, इंडिया में सबको पसंद आता है। वैसे भी स्टूडेंट है, बैचलर है, हम लोग को तो और मतलब मिलना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। फ्री की चीज अमीरों को ज्यादा पसंद आती है, गरीब को तो कम आती है। पर सरकार कह रहा है जिसको नहीं चाहिए, जो पैसे वाले लोग हैं या जिसको कहते हैं कि 200 यूनिट में कम से कम 500 से 700 रुपए बच जाते हैं सब्सिडी के, ठीक है, तो उसमें आपको क्या कहोगे, आप क्या कहोगे इसमें, जनता को क्या कहोगे, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए फ्री का बिजली? रखना चाहिए, मिल रही है तो रखनी चाहिए। मतलब जो गरीब है उनके लिए फायदा है, जो अमीर है उनके लिए तो फायदा नुकसान कुछ है ही नहीं। इसलिए जो गरीब है उनका प्रॉफिट सोचना चाहिए, जो अमीर है उनका कुछ नहीं सोचना चाहिए ना। इसलिए भाई मुझे कभी मिले भी नहीं है। आपको नहीं मिले? क्यों भाई, मैं पूरा बिल पे करता हूँ। आप दिल्ली में ही रहते हो? हाँ, दिल्ली में रहता हूँ, मेरे कभी बिल माफ हुआ ही नहीं मेरा। ऐसा ऐसा कमर्शियल नंबर है क्या? नहीं नहीं नॉर्मल है मीटर। आपको माफ क्यों नहीं हो रहा है भाई? पता नहीं क्या करे, मेरा बिल आता हमेशा। तो आप BSES में जाके कंप्लेन क्यों नहीं करी? भाई मेरा तो कभी नहीं आया, मेरा हमेशा 500 700 600 400 का बिल आया है। मैं आया ही है, कभी सब्सिडी मिली नहीं है। मुझे मिली भी नहीं कभी, और आपको चाहिए भी नहीं? हाँ मुझे चाहिए भी नहीं। फ्री का नहीं चाहिए? क्यों चाहिए फ्री का यार, हमें विकास चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए, विकास चाहिए। ये पागल है साला केजरीवाल, साला फ्री फ्री बस में फ्री कर दिया, ये फ्री पानी फ्री, अरे क्यों तो 50% ले ले, लेकिन जनता को सहूलियत दे दे भाई। ये फ्री नहीं चाहिए सर, बेकार है, जहर है ये, मीठा जहर है जो आने वाली नस्ल को दिक्कत करेगा। ये हमें विकास चाहिए ना कि फ्री चाहिए। गरीब ये सोच रही है, कह रहे हैं कि गरीब लोगों को मैं फ्री दे रहा हूँ। कुछ नहीं, वोट बैंकिंग है भाई, कुछ नहीं है, ओनली वोट बैंकिंग है ये। तो आपको क्या लगता है पंजाब में इसलिए सरकार आई है क्योंकि वो 300 यूनिट फ्री दे रहा है? यार ये फ्री का जहर इनको आगे जाके भुगतान में दिखेगा, आज नहीं फ्यूचर में दिखेगा। इंडिया की जनता पागल बन रही है भाई, बिल्कुल फ्री में यार, पागल ही कहता हूँ मैं तो, पागल ही कहता हूँ उनको, हकीकत में तो पागल ही कहता हूँ। कभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो या नेट देखा, जिस जिस गवर्नमेंट ने सिस्टम करा ना, आज उनका बुरा हाल है, उन कंट्री का, उन सिटी का बुरा हाल है उनका, श्रीलंका में देख लो ना। क्या सरकार डर गई है, 200 यूनिट वापस मांग रही है, आपको क्या लगता है खजाना खत्म हो गया सरकार के पास? भाई खजाना तो खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये टैक्स पेयर है दिल्ली, नंबर वन पे बॉम्बे है और महाराष्ट्र है, उसके बाद में दिल्ली है। अगर उस पैसे को सही जगह यूज हो जाए तो दिल्ली पेरिस बन जाए, लेकिन इसमें यूज़ कर नहीं रहा। हमको क्या चाहिए, हमें जाम से मुक्त चाहिए, दिल्ली जाम से मुक्त चाहिए, नए नए कॉरिडोर चाहिए, फ्लाई ओवर चाहिए, हमें वे चाहिए ना कि फ्री चाहिए। हमें फ्री नहीं चाहिए, आप सब खिलाफ हो? मैं फिल खिलाफ। आपके हिसाब से फ्री जहर है? फ्री जहर है, मीठा जहर है। जनता को क्या कहोगे फ्री के बारे में? जनता ये स्लो पॉइजन है। हाँ जी कर सकते हैं। कर सकते हो? हाँ जी। मतलब सरकार कह रही है जिसको नहीं चाहिए वो वापस दे दो, तो आप वापस दे दोगे सब्सिडी? हाँ जी देंगे, बिल्कुल देंगे। अच्छा दे दो? हाँ जी। सरकार के साथ? हाँ जी सरकार के साथ है। हाँ जी हमें चाहिए। आपको चाहिए 200 यूनिट सब्सिडी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जो लोग पैसे वाले हैं उनको वापस देने के लिए कह रहे हैं, जिसको नहीं चाहिए वो वापस देने को कह रहे हैं, आप वापस दोगे? अगर आप पैसे वाले हो आप वापस दोगे? दोस्तों नहीं, फ्री का मिल रहा रखोगे? नहीं इतने पैसे वाले हम हैं नहीं, हम तो लो क्लास के हैं, तो हम क्यों वापस करेंगे। हाँ जी नहीं चाहिए, बिजली वो फ्री थी तो वो तो पता ही है कि चाहिए फ्री की है। अच्छा सरकार कह रही है जिसको नहीं चाहिए वो वापस दे दो, आप वापस दोगे? नहीं वापस क्यों देंगे, जब फ्री मिल रहा है तो वापस क्यों देंगे? रखोगे आप? हाँ रखेंगे।
फिर मैं ये कहूँगा कि जो अगर जिनको ज़रूरत है उनको तो नहीं दे रहे कोई बात नहीं है, लेकिन और जिनको नहीं देना है जो पैसे वाले लोग हैं उनको नहीं देना चाहिए। और जो नॉर्मल आदमी है, गरीब आदमी है, उसको तो उतना रियायती मिलना चाहिए। जी, सरकार सही कर रही है। सही कर रही है। हर आदमी अपना फ़ायदा चाहता है, नुकसान कोई नहीं चाहता है ना, कोई वापस नहीं देगा। हर आदमी अपना फ़ायदा चाहता है, नुकसान क्या, कोई कितना ही भी अरबपति हो वो भी फ़ायदा चाहेगा। अच्छा, जितना भी अरबपति हो अपना फ़ायदा चाहेगा, कितना ही भी कोई भी हो अपना फ़ायदा तो अपना चाहेगा ही हर आदमी। सर जी, केजरीवाल तो सोचता ही है चाहे मोदी सरकार ने अच्छा किया जो भी किया, लेकिन ये है कि केजरीवाल ने अपने वादे निभाए हैं, चाहे वो कर्जे में हैं चाहे वो किसी चीज़ में है। अच्छा, तो बिजली वापस मांग रहे जिसको नहीं चाहिए उसको? हमें तो चाहिए। आपको चाहिए? हाँ जी, हमें तो चाहिए। चाहिए, ठीक है। और बाकी शराब वाली बात है, ये बीजेपी वाले भी पीते हैं सारे। अच्छा, सारे पीते हैं। नहीं, तो वापस नहीं देना सर, सही है। जिसको नहीं चाहिए उसको वापस नहीं, चाहिए हमें तो चाहिए। आपको चाहिए? फायदा है, बहुत फायदा है। जो पैसे वाले हैं उनको भी 200 यूनिट फ्री मिल रहा है, उसमें क्या कहूँ? नहीं, गरीब आदमी के लिए बहुत फायदा है, पैसे वाले के लिए भी फायदा ही है। पैसे वाला के कोई ज़्यादा पैसा थोड़ी होता है, फालतू का पैसा था। नई रणनीति अपना रहे हैं कि जिसको नहीं चाहिए वो वापस दे दो, सुना होगा आपने? हाँ सुना। अब ये तो सरकार का मर्जी है, जो कर फ्री दी है तो उसमें बढ़ा ले सकता है तो फिर ले भी सकते हैं। खुश हो आप इससे? हाँ, फिर तो खुश है।